नमस्कार दोस्तों, हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका भारत एक मौज के एक और एपिसोड में। मैं हूं संजय राजौरा और मैं लेके आया हूं आपके पास कि विश्व गुरु ने, भारत देश ने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या मौजें ली हैं, उन सब मौजों की झलकियां लेकर उस पर अपनी विशेष टिप्पणी लेके मैं आपके सामने आ गया हूं। तो आइए देखते हैं फिर से भारत एक मौज। पिछले दिनों आपने एक नाम जरूर सुना होगा, चित्रा रामकृष्ण, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ है या रही है। ठीक है, अब मुझे पूरी उम्मीद है चित्रा रामकृष्ण अपनी मेरिट का सहारा ले लेके इस पोजीशन पे पहुंची होंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से वो न्यूज में रही वो ये थी कि चित्रा रामकृष्ण बेशक चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ हो, लेकिन वो जो सारा फाइनेंशियल ज्ञान लेती थी वो लेती थी अपने स्पिरिचुअल गुरु से, जो हिमालय में कहीं किसी गुफा में थे या कहीं हिमालय में भटक रहे थे, उनको वो फाइनेंशियल ज्ञान देते थे। और बाबा इतने हाईटेक थे कि उनके पास एक ईमेल आईडी था जिसके थ्रू ये टू वे कम्युनिकेशन होता था, जहां पे इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते थे। अब लोग इस बात पे चित्रामकृष्ण के पीछे पड़ गए, भाई हमारा देश विश्व गुरु है यार, ऐसी थोड़ी बन गया यार, हमारे यहाँ इन सब चीजों के लिए बहुत स्पेस है। पता नहीं कितने लोगों ने इन सब स्पिरिचुअलिटी से ज्ञान लिया और आगे भी ले रहे हैं, बिजनेस बने हुए लोगों के, करोड़ों के एम्पायर हो गए हैं। स्पिरिचुअल गुरु सबके पास होता है, आपने कितनी फिल्मों में देखा होगा, जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में कोई फिल्म याद आ रही है, एक इतनी सक्सेसफुल बिजनेसमैन फैमिली की लड़की की शादी होती है, लेकिन वहां पे उनका एक स्पिरिचुअल बाबा आके उनको बताता है कि अभी कौन सा मौका ठीक रहेगा शादी करने के लिए, कौन सा मौका ठीक नहीं रहेगा शादी करने के लिए। आपने अपनी फैमिलीज में, अपने आसपास रिश्तेदारों में देखा होगा कि लड़की मंगली होती है तो कोई ज्योतिषी या कोई जो है स्पिरिचुअल बाबा आके बताता है पहले इस मंगली लड़की की किसी पेड़ से शादी कर दो, फिर उस पेड़ को काट दो, क्योंकि मंगली लड़की जब शादी करती है पहली तो उसका पति मर जाता है, तो पहले उसकी शादी पेड़ से करी जाती है, जैसे कि ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ भी हुआ है। तो बड़े सुपरस्टार ने ये काम किए यार, तो ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसके ऊपर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इतने पैसे लगते, कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला, फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई कमेंट दिया, उन्होंने तो देखो अपना सारा ध्यान लगाया क्रिप्टो करेंसी को इलीगल घोषित करके उस पर टैक्स लेने में, वो जरूरी कामों में लगे हुए हैं, आप उनको ड्रैग कर रहे हो कि स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर आके वो अपने कमेंट दें। अरे ये देश स्पिरिचुअलिटी से ही चलता है यार, ये वो देश है जहां पे नुक्कड़ नुक्कड़ पे ज्योतिषी बैठे हुए हैं जो आपका हाथ देख के आपको बोलेंगे यार तुम आदमी तो अच्छे हो, लोग तुम्हें गलत समझ लेते हैं, हाथ देख के आपका भविष्य बता देंगे। और आपको और भी हाईटेक चाहिए तो हमारे पास ऐसे हाईटेक तोते हैं जो ज्योतिषी लेके बैठे होते हैं कि एक पर्ची अग्री होती है, उसमें से तोता एक पर्ची उठाता है और फिर आपको बता देता है कि आपके अच्छे दिन कब आने वाले हैं। तो जिन लोगों को शक है कि अच्छे दिन नहीं आ रहे, प्लीज अपने मोहल्ले में आसपास तोता ढूंढे, वो आपको ढूंढ के पर्ची निकाल के बता देगा। और रही सही कसर पूरी कर दी स्टीव जॉब्स ने, लोगों ने, ये सबके सब सक्सेसफुल लोग हैं, धंधा अपना वहां पे जमाते हैं, लेकिन सच ये है कि स्पिरिचुअल ज्ञान लेने के लिए वो विश्व गुरु के पास ही आते हैं, यहीं पे आके उनको अपने आप से उनकी मुलाकात होती है, उनको जीवन की सच्चाई पता चलती है, फिर वो जाके अपना एप्पल कंप्यूटर एस्टैब्लिश करते हैं और इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं। और इंडिया को तो लकी होना चाहिए, इंडिया लकी है, एक्चुअली होना क्या चाहिए, इंडिया लकी है, इसको तो टैक्स लगाना चाहिए इस बात के ऊपर, भाई क्रिप्टो करेंसी पे लग रहा है जो कि इलीगल है, ये तो लीगल स्पिरिचुअलिटी है, इस पर टैक्स लगना चाहिए। दुनिया भर में सिर्फ इंडिया के पास ऐसे पहाड़ है, हिमालय, जहां पे स्पिरिचुअल गुरु घूमते हैं, और बाकी दुनिया के पहाड़ देखो वहां पे शेर, चीते, भेड़िए, लकड़ बक्के ये मिलते हैं, हमारे यहाँ स्पिरिचुअल गुरु मिलते हैं गुफाओं में छुपे छुपे, आपको ढूंढना आना चाहिए। बस पूरी दुनिया भर के पहाड़ जो है ना वेस्ट ऑफ स्पेस है, असली पहाड़ है हिमालय, क्योंकि वो दुनिया की स्पिरिचुअलिटी का एक अड्डा है, ऐसी थोड़ी विश्व गुरु है। आपने भी सुना होगा कि नितिन गडकरी जी ने इतना मखमली वादा करा है प्रयागराज की जनता के साथ, उन्होंने कहा है कि अगर हम इलेक्शन जीते तो प्रयागराज में उड़ने वाली बसें चलेंगी। अब मैंने केशव जी को बताया है कि हवा में चलने वाली बस उसका भी डीपीआर बना रहे हैं, और प्रयागराज में हवा में चलने वाली बस चलाएंगे रोड के ऊपर से, यही लगाएंगे। मैं सोचता हूं कि कितना कॉन्फिडेंस है हमारे इन नेताओं के अंदर कि कुछ भी बोल देते हैं बिना ये सोचे कि सामने वाला उसको बिलीव कर रहा है या नहीं कर रहा है।
उड़ने वाली बसें चलेंगी और जनता हमारी बेवकूफ बिचारी वो पड़ी रहती है इन चक्रों में कि हमें रोटी दे दो, हमें नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, पीस दे दो, शांति दे दो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक दे दो। इन सब चक्रों में क्यों पड़े हुए हो यार? उड़ने वाली बसें आपके पास आ रही है, सो तो दुनिया में कहीं पे नहीं है जो आपके पास प्रयागराज में। शर्त यह है, शर्त यह है कि आपको इन्हें इलेक्शन जितवाना पड़ेगा। अब ये बसें आप में से कुछ होंगे मतलब जरूरत से ज्यादा शाने बनने वाले लोग जो पूछते होंगे बसें कहाँ बन रही हैं, कौन इनको बना रहा है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, कहाँ पे प्लांट लगा हुआ है। अरे इन सब चक्रों में मत लो यार, आपको पता नहीं है, सवाल पूछना अलाउड ही नहीं है। आपको उन्होंने बोल दिया कि बस उड़ेगी तो आप मान लो बस उड़ेगी, बस आपको बस उस दिन का इंतजार करना है कि जिस दिन आप अपनी छत की इलाहाबाद की सॉरी प्रयागराज की चारपाई की छत पे लेटे हुए और तीन चार बसें उड़ती उड़ती जा रही है सवारियों को उठाते हुए, आ जाओ भी यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, बीच में रुक गई उतर गया कोई भी भाग भाग के उसको चढ़ रहा है, जैसे कि यूपी में अक्सर आपको देखते मिलता हो कोई बस की सीढ़ियों से चढ़ के उसकी छत पे जा गया, वो खुली हवा ले जा रहा है वातावरण की, कि उसको भी पता चल जाएगा कितने ऊपर जाके टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है। ये सब चीजों को देखो, ये जो है किसी एक आम मुल्क के आम नेता की आम सोच नहीं है, ये एक बहुत बड़े विश्व गुरु के बहुत ज्ञानी नेता की बहुत ही विकसित सोच है, जो सोच आपको उड़ती हुई बसें दे रही है। आप ये सोचो कंप्लेन करते करते आपकी फैमिली के कितने लोग और आप खुद शायद बुढ़े हो गए, यूपी की सड़कों में इंटरनली इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी चरमरा जाती है। अब आप गड्ढों की चिंता ही नहीं करनी क्योंकि आपकी बसें हवाओं में तैरेंगी। अरे यार ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को क्या प्रॉब्लम हो रही थी यार, बैठे बिठाए जाके ना मतलब पंगे ले लिए खाम खा, वहां खड़े होके उन्होंने बोल दिया इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस के बारे में कि वहां पे उनपे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और यहाँ पे जो है भाई इंडिया ने सिंगापुर के अम्बेसडर को बुला लिया शिकायत करने के लिए कि यार रो लग गए हम, यार हमारी बुराई क्यों कर रहे हो आप। भाई सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए, हम तो यहाँ रहते हैं इस देश में, जब हमें अलाउड नहीं है बुराई करना कि पार्लियामेंट क्रिटिसाइज करना कि पार्लियामेंट में क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग बैठे हुए हैं, तो तुम आए बड़े मुंह उठा के चल के वहां से यार अपने यहाँ की करके दिखाओ। अपने देश में बैठ के यहाँ की बुराई करना बड़ा आसान है, इंडिया में आके जरा इंडिया के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी बुराई करके दिखाओ, उनको क्रिटिसाइज करके दिखाओ। पर मुझे शक है कि सिंगापुर के जो एम्बेसडर को समन करा गया डांट फटकार लगाने के लिए, वो शायद इस वजह से तो नहीं किया गया कि पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स टाइप जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो लोग घुसे हुए हैं, क्योंकि ये तो कॉमन नॉलेज है, मतलब ये तो आप इंडिया के कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जहां पे अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो तो शायद आपका पॉलिटिकल करियर शुरू ही ना हो, है वो तो एक ना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कम से कम 15-16 केसेस तो होने चाहिए यार, कि तब आप जाके अपने पॉलिटिकल लैंडस्केप में अपने कदम कुछ रख सकते हो। तो ये कॉमन नॉलेज है हमारे पास, जो एक बात हमको पता है वो तुम वहां जाके बोल रहे हो, हम यहां नहीं बोल सकते। लेकिन असली प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने जो है ना नेहरू की तारीफ कर दी, ये बात बड़ी अखरी आज के इंडिया को, और इस बात के लिए फटकार लगाने के लिए बेचारे सिंगापुर के एम्बेसडर को बुला के डांट फटकार लगाई कि हम यहां पे अपनी जो है सुबह से लेकर शाम तक 7 साल हो गए हमें नेहरू की बुराई करते करते हैं, और तुम वहां जाकर उसकी तारीफें कर रहे हो, हमारे सारे की गल में पानी फेर रहे हो तुम लोग। भाई ये अच्छा धंधा है, जैसे कहीं भी कोई हमारे साथ ज्यादा ऊंच नीच करे ना, ये बिल्कुल सही बात है, वहां के एम्बेसडर को बुलाओ फटकार लगाओ, जरा चाइना वाले को बुलाओ, बहुत इन्होंने दिमाग खराब करके रखा हुआ, बुला के हड़काओ इनको चाइना वाले। तेलंगाना के बीजेपी नेता डी राजा है, कितना जबरदस्त नाम है डी राजा, ये एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए, पहले भी एक बात तो सुर्खियों पे आए थे जिन्होंने एक गाना बनाया था, लेकिन बहरहाल उसकी हम बात नहीं करेंगे, ये फिर से सुर्खियों में आए। इन्होंने तेलंगाना में बैठ के यूपी की पब्लिक को यह बोला है कि योगी जी ने बुलडोजर मंगा लिया, क्यों मंगा लिया, इसके नहीं वो कंस्ट्रक्शन का कोई बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि योगी गार्डन्स और योगी सरोवर, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। वो बुलडोजर इसलिए मंगाए गए हैं कि यूपी की वो जनता जो ये सोच भी रही हो कि योगी जी को या बीजेपी को वोट नहीं देना है, उनके ऊपर चलाए जाएंगे, उनके घरों के ऊपर वो बुलडोजर चलाए जाएंगे। तो मतलब कुछ जो नेगेटिव टाइप लोग हैं जिनका मतलब जिनको क्रिटिसिज्म में ही मजा आता है, खामखा गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म ही करते हैं, बोलते हैं तो धमकी है भाई। और कुछ लोग मैंने ये भी कहते हुए सुने कि यार ये तो गुंडागर्दी हो रही है, भाई इसको आज की पॉलिटिक्स कहते हैं, अमृतकाल में यही पॉलिटिक्स होती है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपी बुलडोजर मंगवा लिए है,
उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते हैं कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। बट कभी कभी हाँ, क्योंकि इतने दिन से वो बुरी आदत पड़ी हुई थी ना अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहने की, तो मन से ये टीस होकर निकल ही आती है यार, फिर ये इलेक्शन का ड्रामा होता ही क्यों है? जब आपने धमकी देनी है कि हमें वोट नहीं दिया तो हम बुलडोजर चलवा देंगे, तो फिर क्यों ये इलेक्शन में टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट करते हैं? वैसे ही डेमोक्रेसी यहाँ पे यहाँ से कब की जा चुकी है? क्यों मतलब हाथ ही निकल गया, उसकी पूंछ पकड़ के क्यों बैठे हो? उसे भी जाने ही दो ना यार। दोस्तों पिछले दिनों एक कैमरामैन को क्या सूझी कि उसने एक शरारत कर डाली। मोदी जी कॉपी पे साइन कर रहे थे और उसने कैमरे का फोकस कर दिया मोदी जी के हाथ के ऊपर और उसमें दिखाई दिया कि वो कॉपी पे साइन नहीं कर रहे हैं, वो हवा में साइन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये कौन सा अहमक कैमरामैन लेके आ गए आप यार? दुनिया भर में देश विदेश में कोई भी कैमरामैन है उसको ये मालूम है कि अगर मोदी जी आसपास हैं तो कैमरे का फोकस उनके मुंह पर रहना चाहिए ना कि उनके हाथों के ऊपर। इस अहमक ने जाके हाथों पे फोकस कर दिया और उसमें दिख गया कि वो हवा में साइन कर रहे हैं। यार अगर आपको मोदी जी के चेहरे के अलावा उनका पूरा शॉट ही लेना है तो आप दूर से लो ताकि उनका कॉस्ट्यूम भी दिखे। ये आपको किसने सिखा दिया कि भाई अब मोदी जी वहां पे चेहरा वेहरा तो छोड़ो, आप हाथ पे फोकस करके लगे, लोगों पर लग रहा है कि वो हवा में दिख रहे हैं। भैया वो मोदी जी वो चांद पे भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है अपना कैमरा उधर कहीं पे भी घुमा दोगे। चांद पे लिख सकते हैं, जुपिटर पे लिख सकते हैं, यूरेनस पे लिख सकते हैं, आपके माथे पे लिख सकते हैं। माथे पे तो लिख ही दिया, क्या लिख दिया ये मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? लिख ही दिया उन्होंने आपके माथे पे, वो कहीं पे भी लिख सकते हैं। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, इतना आर्टिस्टिकली वो मैजिशियन की तरह हवा में हाथ फैला रहे थे, जो उनके सच्चे फैंस है ना जैसे कि मैं, उनको दिख गया था वो क्या लिख रहे हैं। उन्होंने जैसे पहले ऐसे बाद में समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आ गया, बहुत लोगों को समझ में आया कि वो लिख रहे थे नेहरू। अब ये तो बात एस्टैब्लिश हो चुकी है कि हम विश्व गुरु हैं, ठीक है? हमने अपनी पुरानी खोई हुई ग्लोरी ढूंढनी शुरू कर दी है। लेकिन जैसे कि चांद में भी एक दाग तो होता ही है, तो हमारे विश्व गुरु में भी एक दाग तो है। मैं बोलना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो, मुझे पता है आपको बुराई सुननी पसंद नहीं आती और ये कोई मौज नहीं है, लेकिन ये एक दाग तो है ही। वो ये कि अभी राजस्थान से एक खबर है कि एक दलित आईपीएस ऑफिसर की बारात निकल रही थी और उसको भी घोड़े पे चढ़ने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए आईपीएस ऑफिसर को पुलिस लगानी पड़ी। तो जो लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन जो है रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं, इनइक्वालिटी की बातें करते हैं कि रिजर्वेशन से इनइक्वालिटी और बढ़ती है, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये तो एक दलित आईपीएस ऑफिसर के साथ हो रहा है। रिजर्वेशन जो है ना कोई जॉब और फाइनेंशियल उससे कोई लेना देना है नहीं, सोशल सिक्योरिटी सोशल स्टेटस से उसका लेना देना है। तो जब भी आप रिजर्वेशन के बारे में बहस करें, और तो और छोड़ो, अभी चिदंबरम टेंपल तमिलनाडु में 20 जो है अपर कास्ट हिंदू जो ब्राह्मण मंदिर के थे, उन्होंने एक दलित औरत को मंदिर में घुसने नहीं दिया, उस पर कास्ट बेस्ड स्लर मारे गए और उसको धक्के मार के निकाला गया, जैसे भी निकला गया, बहरहाल उसे घुसने नहीं दिया गया अंदर। यह अलग बात है कि तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार ने उनको बुक कर लिया उन सारे ब्राह्मणों को, लेकिन विश्व गुरु में ये एक ऐप है। कोई बात नहीं, चांद में भी एक दाग है तो एक दाग यहाँ हमारे यहाँ चलता है, लेकिन वो जो है किसी और को जाके मत बताना, क्योंकि अगर आपने किसी और देश में जाके बता दिया और वहां के देश में ये उठ गया कि इंडिया में ये होता है कास्टिज्म के नाम पे ये एट्रोसिटीज होते, तो वहां के एम्बेसडर को बुला लिया जाएगा अगर वो चाइना नहीं है। और जाते जाते दोस्तों एक खबर बताए बिना जी नहीं मानेगा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, सब जानते हैं उनको, बहुत ही पॉपुलर हैं और विश्व गुरु जो हिंदुस्तान बन रहा है, मैं विश्व गुरु वर्ड ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा आपको यकीन होगा हम वाकई विश्व गुरु बन गए हैं। निरंतर बोलते रहो, सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते ऐसी आदत डाल लो कि रात को सोते सोते भी अगर आपको कुछ बड़बड़ाना पड़े तो आपके मुंह से विश्व गुरु ही निकले। तो इस विश्व गुरु की एक स्टार है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। आपको पता है कर्नाटक में कुछ हिजाब को लेके
लफड़ा हुआ है यूपी इलेक्शन से, लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि वहां का असर वहां पे पड़ेगा, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कितना असर पड़ा है। इस मामले पे मैं बात नहीं करूंगा, कोर्ट में मामला चल ही रहा है। प्रज्ञा ठाकुर ने बोला कि इस देश में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। हिंदू इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च विचारधारा का, इतना संस्कारित होता है कि हमें कहीं भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, ये बात उन्होंने बोली भगवा पहन के, और ये बात सुनते ही मुझे मोदी जी की वो महान लाइन याद आई जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज। जो जो मौजें मेरे को मिली पिछले कुछ दिनों की वो लेके आपके पास आ गया। मुझे पक्का यकीन है कि इससे बेहतर और इससे भी ज्यादा रंगीन मौज आपके चारों तरफ, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास, आपके रिश्तेदारियों में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में होती रहती होंगी। आप भी उन पर नजर रखिए और मौज लेते रहिए। विश्व गुरु तो हम बनने ही वाले हैं, तो आप भी उसमें शामिल हो जाइए, उस बैंड वैगन में, और इंतजार करिए अगले एपिसोड का इसी प्रोग्राम का जिसका नाम है भारत। जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज।